हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपीटेट की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान निकालना बता दिया था कल की क्लास में, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को सब क्लियर करवा दिए थे। आज मैं आप लोगों को बोर्ड मास से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है वो बताएँगे हम, और इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको आज करवाएंगे। तो आइए, इसमें बोर्ड मास रूल जो है वो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि क्या इसकी जो कि बेसिक जानकारी है। और भाई आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस पर यूपी टेट की मैथ पूरी निःशुल्क पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा। जो भाई लोग यूपी टेट की तैयारी जो कर रहे हैं वो भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप तक जो पहुंचा करें वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो कि शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि और जो और लोग जो भाई यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी लोग मैथ यहाँ से पढ़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आइए, आज हम आपको बोर्ड मास से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो पहले हम क्लियर करवा दें। बेसिक जानकारी क्लियर करवाने के बाद में हम आपको सवाल इससे संबंधित करवाएंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड मास रूल भैया, इसमें बेसिक जानकारी क्या होती है, इसमें बेसिक जानकारी क्या है। इधर लिख लेते हैं बेसिक जानकारी इसकी। जैसे ये बी हुआ, बी का मतलब क्या हो गया, थोड़ा पीछे से लिखते हैं क्योंकि फिर इधर आएगा नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बी हो गया। बी का मतलब क्या हो गया, बी को हम लोग क्या कहते हैं, बी को हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। बी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ब्रैकेट कहते हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है। डी का मतलब क्या होता है भैया, डिवीजन होता है। डी का मतलब क्या होता है भैया, डी का मतलब डिवीज़न होता है। एम का मतलब मल्टीफिकेशन, एम का मतलब मल्टीफिकेशन होता है। और ए का मतलब एडिशन होता है। ए का मतलब एडिशन होता है, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है भैया, सब्सट्रैक्शन। इसको हिंदी में हम लोग घटाना कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में जोड़ कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में हम लोग गुणा कहते हैं। डिवीज़न को हम लोग भाग कहते हैं। और डिवीज़न को हम लोग भाग कहते हैं। ब्रैकेट को तो ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। ऑफ का मतलब ऑफ को हम लोग आपको भी लिख लेते हैं। आपको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसका मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। तो आइए देखिए, बी का मतलब ब्रैकेट होता है और ओ का मतलब ऑफ होता है, इसको हम लोग हिंदी में का कहते हैं। और डी का मतलब डिवीजन होता है, इसको हम लोग हिंदी में भाग कहते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको हम लोग हिंदी में गुणा कहते हैं। ए का मतलब एडिशन होता है, इसको हम लोग हिंदी में जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, इसको हम लोग हिंदी में घटाना कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं भैया, घटाना कहते हैं। तो ये आप लोग रफ और पेन लेके बैठिएगा, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। यूपी टेट की मैथ बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग नोट करते रहिएगा, ताकि जो कि आपको कहीं पे दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े यूपी टेट की, और दिक्कत नहीं होगी।
आपको किसी भी प्रकार की मैं बेसिक्स क्लियर करवाता चल रहा हूँ। आप लोग ये नोट करते रहिएगा, रफ और पेन लेके बैठिए साथ में, ये सब जो मैं पढ़ाऊँ वो आप नोट नोट जरूर करते रहिएगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन इस पर बनते हैं, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया 98 भाग 14 आप सात। तो इसमें क्या होगा भैया, आपका मतलब इसमें क्या होगा, कलर से निकल लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये देखिए आपको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणा। गुणा का मतलब आपको हिंदी में का कहते हैं, का मतलब गुणा होता है। तो इसको बहुत लोग आंसर इसका कितना निकाल देंगे, इसको बहुत लोग कर देंगे, जैसे ये कर दिया इसको बहुत लोग इसका आंसर बहुत लोग निकाल देंगे कितना, जो इसका इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 49 बता देंगे। लेकिन 49 नहीं होगा, 49 गलत आंसर होगा इसका, 49 इसका भैया गलत आंसर होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 98 हो गया, 98 भाग 14 दिया हुआ है, ये आपका मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है। जब हम लोग 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 सती कितना होता है, 14 सती कितना होता है, 98 होता है, 14 सती 98 होता है। और जब हम लोग 98 को जब हम लोग 98 से भाग देंगे तो भैया कितना हमारा आ जाएगा, कितना हमारा शेष बचेगा, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको जैसे काट दिया तो सब जो कि 49 बना देंगे, यानी 14 करना 14 ऐसे काट देंगे, 14 करना 14 14 सती 98, तो 7 सती 49 यानी आपका मतलब क्या होगा, तो 7 सती 49। बट ऐसा नहीं करना है, ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, राइट आंसर 1 आएगा इसमें, ठीक है भैया, ये बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, ये रॉन्ग तरीका है करने का, ये राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए नोट करते रहिए आप लोग, चलिए इसको हम लोग मिटालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में, हमसे पूछ लिया चार बटा सात यानी कितना होगा, चार बटा सात कितना होगा, यानी आपका मतलब का होता है, आपका मतलब का होता है, और का मतलब गुणा होता है। यानी जहाँ पे जिस क्वेश्चन में आप लगा होगा उस समझ जाना कि का बता रहा, का आपका मतलब का हो जाएगा, और जब का हो जाएगा तो सीधे हमें गुणा करना है, सीधे क्या करना भैया, गुणा करना है। तो ये चार गुणे चार हो गया और बटे सात हो गया, चार बटे सात ये हो गया, चार ये हो गया, गुणा का निशान में लगा दिया बीच में, तो चार चक्कू सोलह हो गया, 16 बटे सात हमारे आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, 16 बटे सात हमारे आंसर हो जाएगा। आइए आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवा देंगे कि बोर्ड मार्क्स से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 15 भाग 3 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 5। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया 15 भाग 3 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5। तो
इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें भैया कहीं पर ब्रैकेट तो दिया नहीं है, इसमें कहीं पर ब्रैकेट तो दिया नहीं है, कहीं पर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, कहीं पर ऑफ का सिंबल नहीं इसमें है, यानी का का निशान कहीं पर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें जब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें देख लो, पहले हम लोग ये चीज़ इतनी चीज़ हमको याद रखनी है, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ज़्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे या फिर आपकी परीक्षा में इसी से यहाँ से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से बहुत कम आते हैं, हालांकि आते हैं यहाँ से भी हैं, लेकिन बहुत कम पोर्शन यहाँ से पूछते हैं, ज़्यादातर यहाँ से पूछते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले इसमें हम लोग क्या करें, पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें डिवीजन करेंगे, यानी क्या करेंगे भैया, पहले इसमें हम लोग भाग करेंगे, ठीक है, पहले इसमें हम लोग भाग करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें भाग करने के बाद में फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में फिर हम लोग जोड़ेंगे, यानी जोड़ करेंगे, गुणा करने के बाद हम लोग जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद में घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है भैया। पहले हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, पहले इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, देख लो भाग करेंगे पहले हम लोग, जैसे ये 15 भाग 3 हो गया, तो 3 करना 3, 3 5 15 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया, फिर प्लस 7 हो गया, गुणे दो हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 5 हो गया। अब मैंने इसकी भाग कर ली, अब हम इसमें ये करेंगे, गुणा करेंगे, दूसरा स्टेप देखिए, गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना भैया, 5 प्लस 7 ये हो गया, सॉरी 7 नहीं होगा, इसकी हम लोग इस पोर्शन की तो गुणा ही करेंगे, तो 7 दुनी 14 हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 5 हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते रहिएगा, इसके बाद में तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 14 चार अठारह हो गया, और 18 5 23 हो गया, कितना हो गया भैया, 18 5 23 हो गया, जोड़ लिया, ठीक है, माइनस पाँच हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, चौथा स्टेप क्या है, चौथे स्टेप में हम लोग घटाएंगे, अब इसको हम लोग तेईस से जब पाँच जाएगा तो 23 18 5 23, तो कितना आंसर बचेगा भैया, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, पहले हम लोग भाग कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये आप लोग कॉपी में ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इतना पोर्शन नोट कर लीजिएगा कि हमको जब हम इस टाइप के सवाल आएंगे तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको भाग करना होगा, फिर हमको गुणा करना होगा, फिर हमको जोड़ना होगा, फिर हमको घटाना होगा, यानी जब तक इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो ये रूल आप लोग नोट कर लीजिएगा आप अपनी जो के रफ में, और इससे इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप लोग नोट करते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन दिया है 12 12 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 गुणे 6 भाग 2, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें ना तो भैया कहीं पे ये ब्रैकेट तो दिया हुआ है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट इसमें मिल गया, देखो ब्रैकेट देखने को मिल गया, लेकिन बट पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यही करेंगे कि पहले हम लोग भाग वाला ही पोर्शन हल करेंगे। तो पहले ये भाग वाला ही पोर्शन है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए ब्रैकेट हटा लेंगे। इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 2 माइनस 3 गुणे 6
भाग दो, यानी भाग ये ब्रैकेट हट जाएगा जब हम लोग भाग करेंगे। तो आइए इसको करते हैं, दो करना दो, दो तिया छः, दो तिया छः, दो करना दो, दो तिया छः, कितना आ गया, तीन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बारह, बारह प्लस दो माइनस तीन गुणे तीन गुणे तीन, ये इतना आ गया, इतना गया। अब इसके बाद में हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करेंगे भैया, सेकेंड स्टेप हम लोग पहले स्टेप में हमने भाग कर ली, और सेकेंड स्टेप में हम लोग गुणा करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 2 माइनस तीन तिया 9 हो गया, तीन तिया 9 हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने क्लियर कर लिया। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग जोड़ेंगे 12 2 14 हो गया, 14 माइनस 9। अब तीसरे स्टेप में हम लोग घटाएँगे, चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चौथे स्टेप में जब हम लोग घटाएंगे तो 9 5 कितना होगा, 14 होगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 5 आंसर आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर दीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करा करिए। आप लोग जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है पढ़ाने में है, तो आप लोग कम से कम थोड़ा बहुत तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी बनती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करा करिए, और क्लास पढ़ने के बाद में आप लोग कमेंट अवश्य करें। जो भी कहीं पे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे क्लास लग रही है आप लोगों को, आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएँ भाई। और जो लोग यू पी टेट की तैयारी भाई लोग कर रहे हैं, वो जो अभी से मैथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आगे राहत रहेगी, क्योंकि यू पी टेट का नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक अवश्य आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिएगा, तैयारी अवश्य करिए। और चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमें दे दिया है, जैसे 9 प्लस 6 भाग 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 माइनस दस को सरल करें, क्या करें भैया, इसको सरल करें। चलो इसको भी देख लेते हैं, तो सरल करते हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले वही पोर्शन हम लोग टच करेंगे, पहले डिवाइड वाला जो पोर्शन होगा, जिससे संख्या को भाग दी, जो जिससे भाग होगा उसको ही हम लोग टच करेंगे, पहले भाग वाले पोर्शन को ही टच करेंगे। तो आइए देखते हैं, 9 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा गुणे 5 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले भाग कर लेंगे। 3 करना 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये 9 हो गया प्लस 2 हो गया गुणे 5 हो गया माइनस 10 हो गया, इतना गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये 9 हो गया प्लस 10 हो गया और माइनस दस हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, चलिए बराबर लिख देते हैं, दस हो गया, ठीक है। अब मैंने दूसरा स्टेप क्लियर कर लिया, उसके बाद में हम तीसरा स्टेप क्लियर करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग। तो 10 और 9 कितना होगा, 19 हो जाएगा, 19 माइनस 10 हो जाएगा, 19 को जो हम लोग 10 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा आज के बाद में। आपको बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन कहीं पे किसी भी परीक्षा में आप बैठिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, या बस
ये कुछ रूल्स हैं जो इसके बेसिक जानकारी है वो आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप पहले, और इससे संबंधित कुछ ज़्यादा बड़े सवाल नहीं, आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग हैं, जैसे हमको दे दिया, इसमें दे दिया, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 10 प्लस 3 10 प्लस 3 माइनस 12 भाग 4 12 भाग 4 ब्रैकेट बंद, बारह भाग 4 × 3 ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, को सरल करें, सरल करें। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन पूछा हमसे है, तो हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे, पहले पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर हम लोग जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है भैया? ऐसे याद कर लीजिए, पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे, सॉरी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और फिर जोड़ेंगे, और फिर घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो हम बताएंगे। ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक बन जाएगी आप लोगों की, कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है? ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ये हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, इसको भाग करने के लिए 10 प्लस 3 हो गया, -12 भाग 4 हो गया, × 3 हो गया, ठीक है? तो पहले हम लोग कौन सा पोर्शन टच करेंगे, डिवाइड वाला, जो भाग हो रहा होगा ये वाला, 4 × 4 4 × 3 12 हो गया, 4 × 3 4 × 3 12 हो गया, ये 4 × 3 12 हो गया। अब 10 प्लस 3 माइनस 3 × 3, फिर हम लोग ये गुणे वाला दूसरे नंबर में गुणा करेंगे, तो 3 × 3 9 बन गया, -3 प्लस ये 10 हो गया, ठीक है? अब हम लोग जोड़ेंगे, 10 × 3 13 हो गया, -9 हो गया। अब जो 13 से जब हम लोग 9 को माइनस करेंगे, 13 से जब हम लोग 9 को माइनस करेंगे, तो 9 4 9 4 कितना हो जाएगा भैया, 9 4 13 हो जाएगा, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा, यही ठीक है भैया, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को है? समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटी सी जानकारी ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं वो आप लोग कर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, आइए भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, जैसे हमको एक क्वेश्चन ये दे दिया 30 प्लस 20 भाग 4 × 6 × 6 प्लस 30 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 भाग 5 × 6। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। कितना यहाँ पे लिखा हुआ था भैया, 20, ये यहाँ पे कितना है, ये हमारा हो गया 10, ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा प्लस का निशान लगा हुआ था। चलिए क्या है क्वेश्चन, यानी 20 प्लस 10 भाग 4 × 6 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 10 भाग 5 × 6, तो इसमें हमको भाग वाला पोर्शन कितनी जगह मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है, एक ये मिला है, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो इसको कर लेंगे, 4 × 4 4 × 5 20, 5 ये यहाँ आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, इसको काटेंगे, 5 × 5 5 × 2 10, ये एक भाग वाला पोर्शन समाप्त हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 30 30 प्लस 5 30 प्लस 5 × 6 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 2 प्लस 2 और × 6, ठीक भैया? इतने तो बचा है ना, क्योंकि ये एक पोर्शन हमको भाग वाला ये यहाँ पे मिल गया था भाग करने के लिए, और एक हमको ये यहाँ पे मिल गया था, तो हमको दो पोर्शन मिले थे भाग करने के लिए। अब देख लेते हैं इसमें गुणा वाले कितने, गुणा हमको कितने, गुणा वाले जो कि गुणा कितने पोर्शन हैं, गुणा वाले एक ए मिल गया, एक ए मिल गया, ठीक है भैया? तो ये कितना हो जाएगा हमारा, चलिए 30
प्लस 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और प्लस 30 ये मिल गया, माइनस 20 हो गया, और प्लस 6 दूनी कितना होगा, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि अब हम लोग तीसरे स्टेप पे आएंगे। 30 30 60 हो गया, 60 30 90 हो गया, और 90 90 और 12 कितना हो जाएगा, 90 और 12 102 हो जाएगा भैया ना, 90 और 10 100 102 हो जाएगा। फिर ये कितना बचा, 20 बचा माइनस में 20। जब हम लोग 102 से जब हम लोग 20 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 82 आ जाएगा। 102 से जब हम लोग 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा भैया, ये 82 हमारा आंसर आ जाएगा, ये 82 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था, कुछ नहीं था, लेकिन बट आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ नहीं था इसमें जो कि ज़्यादा कुछ लेंथी सवाल नहीं थे, ना जो कि ज़्यादा लेंथी ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कुछ समझने की बात है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है भैया। चलिए ये 82 हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा, 82 आंसर आ जाएगा हमारा, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोगों ने, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था भाई, चलो कोई बात नहीं, इसमें समझ ये सब इतने कोई बड़े सवाल नहीं जो नहीं लगेंगे, ऐसा तो हमें लग नहीं रहा, सब सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बोर्ड मास वाले जो भी बोर्ड मास से संबंधित जो भी सवाल हैं सब लग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 20 प्लस 75 भाग 3 20 प्लस 75 भाग 3 माइनस 10 बटे 30 प्लस 50 भाग 10। अब भैया ये हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग ये कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के पास ये होगी कि अब ये सवाल कैसे लगेगा। चलिए ये भी उसी तरह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह लगेगा। पहले हम भाग वाला पोर्शन ये टच कर लेंगे, भाग वाले पोर्शन को पहले देखेंगे। 3 3 6 3 5 15 25 से हो गया। फिर इसमें भाई गुणा तो कहीं पर गुणा का सिंबल लगा हुआ नहीं, गुणा तो हम लोग करेंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ वाला सिंबल लगा हुआ है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये। आइए यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग इसको, पहले ऊपर वाला जोड़ देंगे, फिर नीचे वाला जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, जो आएगा आंसर निकल के वो आंसर हो जाएगा। 20 और 25 कितना हो गया, 45 हो गया, 45 माइनस 10 हो गया, ठीक है भैया, 45 माइनस 10 हो गया। अब 45 से जब माइनस 10 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा आंसर, सॉरी आंसर नहीं, एक ऊपर वाला जो होगा इसका 35 आ जाएगा। फिर नीचे वाले को देखेंगे हम लोग, ये भाग वाला पोर्शन है इसको हम लोग देख लेंगे। 10 करना 10 10 5 50 हो गया, 10 5 50 हो गया, तो ये कितना बन गया, 30 और प्लस 35 30 और प्लस 5 कितना हो गया, 35 से बन गया। 35 ऊपर वाले पोर्शन का भी जो कि 35 आया, मान नीचे वाले पोर्शन का भी 35 आया, तो हम लोग 35 को जब 35 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा हमारा, 1 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, यानी निकालेंगे उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें जो कि हमें जो गुणा का निशान है वो नहीं लगा है, और इसमें जो कि देखिए घटाना का भी है और जोड़ का भी है, जो भी जितने भी सिंबल दिए होंगे इसमें, जितने सिंबल लगे होंगे, जितने भी चिन्ह लगे होंगे, जैसे भाग का होगा या गुणा का हो या जोड़ का हो या घटाना का हो या घटाना करना हो या जोड़ का हो, तो वही उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। जैसे इसमें हमको ये गुणा का नहीं दिया हुआ था तो गुणा को हम लोग छोड़ देंगे, गुणा को दूसरा स्टेप ये दिया हुआ इसको छोड़ देंगे, इसको इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, अगर होगा तो फिर हम लोग जो कि उसको भी इसमें शामिल करेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं भैया, सवाल आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग नोट करते रहिएगा ज़रूर, ठीक है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें है जैसे दिया हुआ 30 प्लस 20 का 10% प्लस 5
10% प्लस 5 कितना होगा? ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा भैया है, कितना होगा, कितना होगा हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन दिया हुआ 30 प्लस 20 का 10% प्लस 5% कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे 30 प्लस 20 का मतलब गुणा होता है 10% बटे 100, यानी चाहे 10% दिया हो, चाहे 20% दिया हो, चाहे 30% दिया हो, अगर 30% दिया होगा तो 30/100 कर लेंगे, अगर 20% दिया होगा तो 20/100 कर लेंगे, अगर 40% दिया होगा, तो हम लोग 40/100 कर लेंगे, अगर 10% दिया होगा तो हम लोग 10/100 कर लेंगे। यानी जितना भी परसेंट दिया होगा उसके नीचे हम लोग 100 जरूर मानेंगे, 100 मानना पड़ेगा। तो ये हमारा 10/100 हो गया, 10/100 हो गया, और प्लस ये पाँच हो गया। तो आइए, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला ये चला गया, 10 × 10 हो गया, 10 × 20 हो गया, 10 × 10 10 × 20 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 30 × 2 = 32 हो गया, 30 × 2 = 32 हो गया, 32 × 5 = 37 हो गया, 32 × 5 = 37 हो गया। नहीं, कहीं पे मिस्टेक हो गई है भाई साहब, इसको हम लोग जब काटेंगे, अरे सॉरी भाई, ये यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 50 है, तभी तो हम कह रहे थे कहीं पे मिस्टेक हो रही है, तभी हम कह रहे आंसर कैसे आ गया 37, आंसर कैसे आ गया। तो चलिए कटा ठीक था, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आइए फिर से अब बताना पड़ेगा भैया ये सब, यानी थोड़ी सी मिस्टेक हुई बस सब गड़बड़ हो गया मामला। 10% का पूछा था हमसे, 10/100 हो जाएगा, तो ये प्लस में था, ये प्लस में था। आइए एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 10 × 10 हो गया, 10 × 20 हो गया, 10 × 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 32 हो गया, और 32/50 कितना हो जाएगा, 32/50 कितना हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, 32/50 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें। एक क्वेश्चन जैसे हमसे अभी ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन हमसे पूछा है 9 प्लस ये ब्रैकेट लगा है बड़ा वाला, 6 प्लस 7 का 9 + 2 - 6 भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया, ये ऐसे लग गया। हमसे पूछा है कि इसको सरल करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सरल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो हम लोग ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, कितना हो गया 2 × 3 = 6 हो गया, ये 3 आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 प्लस बड़ा ब्रैकेट 6 हो गया प्लस 7 हो गया, का मतलब को हटा ही दो, गुणा से कर लो, -3 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा भैया, हाँ 9 × 2 = 11 हो गया, ये 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 11 में से जब -3 करेंगे हम लोग, 11 में से जब हम लोग -3 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा,
यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा स्टेप हम लोग क्या देखते हैं, अब ब्रैकेट इनका हटा देंगे हम लोग, 9 + 6 कर लेंगे, 9 + 6 कर लेंगे, +7 कर लेंगे, -3 कर लेंगे, -8 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा स्टेप क्या है, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 21 हो गया, ये 7 × 21 हो गया, -8 इधर हो गया, और +6 और +9 इधर हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, हम लोग जोड़ लेंगे इनको, इनको जोड़ लेंगे, तीसरा स्टेप ये हो गया, ये तीसरा स्टेप ये हो गया, इनको हम लोग जोड़ लेंगे, अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 7 × 3 = 21, 3 × 21 -8, 3 × 21 -8 कितना हो गया, 15, ये हमारा 9 × 6 = 15 हो गया, 9 × 6 = 15 हो गया, 9 × 6 = 15 हो गया, ये हमारा 9 × 6 = 15 हो गया, और 21 × 15 कितना हो जाएगा भैया, 6 × 3 = 36, 21 × 15 = 36 हो गया। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 9 × 6 = 15, 9 × 6 = 15, 15 × 21 कितना हो गया, 15 × 21 = 36 हो जाएगा, क्योंकि 15 × 16 और 20 = 36, 15 × 16 20 = 36, और -36 - 8 हो जाएगा, ये 36 - जब हम लोग 8 करेंगे, 36 - जब हम लोग 8 करेंगे तो 36 से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा भैया हमारा, ये 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा ये हमारा आंसर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो भी मेरे द्वारा जितना पढ़ाया गया है बोर्ड मास्टर संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सब आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं विद बेसिक, और ये आप लोग अपने रफ में जो कि अपनी रफ में लिख लीजिएगा, साइड में कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा ये साइड में, ताकि आप कभी भी जब सवाल लगाएं बोर्ड मास्टर से संबंधित तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लें, और ये चीज़ तो ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ काम की है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे भैया वो मैंने आप लोगों को बोर्ड मास्टर से संबंधित करवा दिए हैं, ये आपके एक्विटेड की परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, एक क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, और ये आज टॉपिक ही पूरा मैंने क्लियर करवा दिया, आज के बाद याद पूरा क्लियर बोर्ड मास्टर से संबंधित पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, यानी मैंने जितना पढ़ाया है वो एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश की है, क्योंकि पेपर भी भाई आने वाला है, धीरे धीरे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो समझ लो पेपर ही आ जाएगा, और तैयारी का टाइम बहुत कम बचा है, वैसे भी जो भाई लोग मन से तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी टाइम कम बचा हुआ है, क्योंकि जितना शॉर्ट पढ़ा देंगे और जितनी जल्दी में पढ़ा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर उठते हैं या जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं यूपी टेट में वो मैं विद बेसिक से क्लियर करवा दूंगा। तो जैसे कि कल मैंने स्थानीय मान और जाति मान निकालना बता दिया, आज मैंने बोर्ड मास से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने क्लियर करवा दिए, और क्रमागत संख्याओं का योग निकालना बता दिया आप लोगों को, और वर्ग भाग घन पर आधारित जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिया, यानी जितने नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपकी परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी वो टॉपिक मैंने सब क्लियर करवा दिए हैं। आज मैं जो कि बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आपको क्लियर सब करवा दिए हैं, जितने भी बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन बनते थे आपकी परीक्षा में वो मैंने सब क्लियर करवा दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।